भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये बोला है, मुझे वो मनुष्य पसंद है जो स्थित प्रज्ञ हो। अब स्थित प्रज्ञ क्या मतलब है? जो प्रज्ञा में स्थित हो। प्रज्ञा किसको बोला गया है? प्रत्यक्ष ज्ञान को, सुनी सुनाई बातों को नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान जो आपको अपनी अनुभूति पे, आपको एक्चुअल में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, उसको प्रज्ञा बोला गया है, प्रत्यक्ष ज्ञान बोला गया है। अपने एक्सपीरियंस पे कौन सा और कैसा ज्ञान जागता है? हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी इंद्रियां, इनके परस्पर कॉन्टैक्ट से हमारे शरीर में हर समय कुछ ना कुछ होता रहता है। तो जब आप रोज़ ध्यान करना शुरू करते हैं तो आप एक स्थिति पे पहुंचते हैं जहां पर आप इस चीज़ को महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो वो जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का जो ज्ञान जागता है उसको प्रज्ञा बोला गया है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि मुझे वो पसंद है मनुष्य जो स्थित प्रज्ञ हो, मतलब जो हर समय इस प्रत्यक्ष ज्ञान में रहता हो। और इसी को भगवान बुद्ध ने बोला है सतिपट्ठान, क्वाइट सिमिलर हैं चीज़ें। तो जब तक आप रोज ध्यान नहीं करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है किसी भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को समझना, चाहे वो गीता हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो कुरान हो, कोई भी स्क्रिप्चर हो, आप उसको इंटेलेक्चुअली नहीं समझ सकते। तो इसके लिए ध्यान बहुत ज़रूरी है। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई।